मॉर्निंग स्टूडेंट, डीप ब्रॉग्ली वेवलेंथ एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीप ब्रॉग्ली वेवलेंथ। और इसमें 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी है। 18 क्वेश्चन फाइनल हो गए, 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है हम लोग को। तो 18 फाइनल और नेक्स्ट 19 क्वेश्चन भी है और ये एक रिजल्ट भी है, एक टाइप का रिजल्ट भी है। हाँ, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ 5 क्वेश्चन है, एक नहीं 5 क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन है आपका। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आंसर है 3, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव बनाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 वेव बनाएगा, सिक्स ऑर्बिट में 6 वेव बनाएगा, एनथ ऑर्बिट में एन वेव बनाता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आंसर 3 है। कैसा है, चलिए चेक करते हैं। कई क्वेश्चन है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है और क्वेश्चन भी है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं ये। सो हम लोग जानते हैं वेव बनाते हैं तो ऐसे इस पैटर्न में हम लोग वेव कंप्लीट करते हैं ऐसा। और ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, यहां से और यहां का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग वन वेव। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वन वेव। और वन वेव में जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस है लैम्डा ऐसे। सो लैम्डा डिस्टेंस कंटेन वन वेव, लैम्डा डिस्टेंस कंटेन वन वेव, ये एक सिंपल रिजल्ट है 9th क्लास 10th क्लास का कि लैम्डा डिस्टेंस कंटेन वन वेव, कंटेन वन वेव, वन वेव, ये आप जानते हैं। हम लोग कहाँ निकालना है, हम लोग को निकालना थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में मेरे पास डिस्टेंस कितना है आप देखेंगे तो थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम का ये है मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये है मेरा सेकेंड ऑर्बिट और ये है मेरा थर्ड ऑर्बिट। सो एन इज इक्वल टू 3, ये है थर्ड ऑर्बिट। सो थर्ड ऑर्बिट यहाँ रेडियस है, यहाँ से आप ले लेंगे थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है आर। तो थर्ड ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये सिंपल है, ये तो 10th क्लास का रिजल्ट हो गया, 9th क्लास 10th क्लास फिजिक्स में साउंड वेव में पढ़ते थे हम लोग कि लैम्डा डिस्टेंस, ये लैम्डा डिस्टेंस के बीच में ये पैटर्न जो देखते हैं ये वन वेव को बोला जाता है। और आज मेरे पास जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जो डिस्टेंस है वो आप सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्टेंस हो गया 2πr, r का मतलब r3। अब निकाल लेते हैं लैम्डा डिस्टेंस कंटेन वन वेव, तो 2πr3 डिस्टेंस कंटेन कितना वेव वो निकालना है। सो आप जानते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस कंटेन वन वेव, वन वेव, देन 2πr3, 2πr3 डिस्टेंस कंटेन 1 मल्टीप्लाई बाई 2πr3 डिवाइड बाई लैम्डा वेव। सो नंबर ऑफ वेव यहां से रिजल्ट आप लिख सकते हैं। सो n इज द नंबर ऑफ वेव, सो नंबर ऑफ वेव आ गया 2πr3 बाई लैम्डा। अभी सॉल्व करना है इसको, देखिए नंबर ऑफ वेव आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr3 लैम्डा, लैम्डा की जगह आप यूज कर सकते हैं h बाई mv, mv का मतलब mv3 कर सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करें, लैम्डा इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाई mv, ये h बाई mv, तो मैं h बाई mv यूज कर रहा हूँ तो h हुआ और mv3 यूज करना है। नाउ नेक्स्ट 2πh यहाँ पे अलग कर लेंगे और ये है m और v3 r3 अलग कर लेंगे,
ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, 2π/3, 2π/h हुआ ठीक है। अच्छा इसके जगह पे ठीक है, आप जानते हैं आप साइंस में बोस मॉडल पढ़े हुए हैं, बोस मॉडल क्या पढ़े हुए हैं कि MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये पढ़े हुए हैं आपका। सो अगर मैं थर्ड ऑर्बिट में लगाऊं, अगर थर्ड ऑर्बिट में, तो ये बोस का क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिट के लिए होगा 3H/2π, 3H/2π। सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3H/2π और सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू जो आ गया वो थर्ड 3 आ गया। तो मैंने बताया था कि थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 वेव, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। nth ऑर्बिट करेंगे, यहाँ पे nth ऑर्बिट करेंगे तो NH/2π, सो nth ऑर्बिट कंटेन n वेव। तो आपका आंसर मिल गया, कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सो फाइनली आंसर आया कि थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 वेव, थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 वेव्स। तो ये था आंसर, नंबर ऑफ वेव चाहिए था, 3 वेव हो गया। डेरिवेशन करना था, डेरिवेशन मैंने समझा दिया कि लैम्डा डिस्टेंस कंटेन 1 वेव, तो 2π/r3 डिस्टेंस कंटेन नंबर ऑफ वेव ये है, लैम्डा को रिप्लेस करेंगे h/mv और बोस मॉडल लगा देंगे mv3r3 इज इक्वल टू 3h/2π, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम h कट गया, 2π/2π कट गया, इनका वैल्यू 3 हो गया। ये बट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, प्रूफ कर दिया, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सो नंबर ऑफ वेव का ये भी फॉर्मूला बहुत कॉमन है, नंबर ऑफ वेव 2πr बाई लैम्डा, ऐसा नंबर ऑफ वेव को n लिखेंगे तो n इज इक्वल टू 2πr बाई लैम्डा, या n इंटू लैम्डा करेंगे सो इक्वल टू 2πr। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ कि नंबर ऑफ वेव और लैम्डा में रिलेशन। नाउ n इंटू लैम्डा और 2πr के जगह s यूज कर सकते हैं, s इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, s जो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस s जो है, जैसे सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस r है, तो s उसका जो है सर्कमफेरेंस, s जो है सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, ये सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आया हुआ, नंबर ऑफ वेव इन nth ऑर्बिट और रेडियस में, वेवलेंथ में रिलेशन, या नंबर ऑफ वेव इन nth ऑर्बिट, सर्कमफेरेंस में रिलेशन, सब क्वेश्चन। नेक्स्ट आप स्टैंडर्ड रिजल्ट आप फॉलो करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट कंटेन, सो सेकेंड ऑर्बिट कंटेन, तो आप बोलेंगे 2 वेव्स, थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 वेव, तो थर्ड ऑर्बिट। सो अगर लिखा रहेगा थर्ड ऑर्बिट, तो आप लिखेंगे थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 वेव्स। फोर्थ ऑर्बिट कंटेन 4 वेव्स, और इस तरह आप nth ऑर्बिट कहेंगे कि nth ऑर्बिट कंटेन n वेव, nth ऑर्बिट में n वेव होगा, तो nth ऑर्बिट कंटेन n वेव्स। फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, जितने भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है सबके लिए, तो आपका जितना ऑर्बिट नंबर रहेगा उतना ही वेव्स बनेगा। हो गया।
बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कैसे डिराइव किया गया था मैंने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ है कि सेकेंड ऑर्बिट में कितना वेव है, थर्ड ऑर्बिट में कितना वेव है, और ड्राइंग से भी दिखा सकते हैं उसमें। जैसे सेकेंड ऑर्बिट कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए, अगर मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट हुआ ये, तो सेकेंड ऑर्बिट में ऐसे टू पॉइंट बना लेंगे, एक पॉइंट यहाँ कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ कर देंगे, और टू वेव्स ऐसे दिखा देंगे, ये एक वेव हो और एक वेव ऐसे और दिखा देंगे, टू वेव हो। सो ये है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट कंटेन टू वेव, देखिए टू वेव, एक वेव यहाँ से यहाँ तक हुआ, दूसरा वेव यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। सो सेकेंड ऑर्बिट कंटेन टू वेव, फिगर बना के दिखा सकते हैं, दिखाइए थर्ड ऑर्बिट का, थ्री वेव। देखिए कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम किसी के लिए बना सकते हैं, ये है हाइड्रोजन हुआ और ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ और ये है सेकंड ऑर्बिट हुआ और ये थर्ड ऑर्बिट बना लीजिए, ये है थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट में तीन डॉट दे दीजिए, तीन डॉट आप सिमेट्रिकली, एक डॉट यहाँ लिख देंगे सिमेट्रिकली ऐसे दीजिएगा, एक डॉट यहाँ कर दीजिए, एक डॉट यहाँ कर दीजिए, और देखिए ऐसे, ये है वन वेव, ये है टू वेव, यह थ्री वेव, चेक कर लीजिए, थर्ड ऑर्बिट कंटेंट थ्री वेव, सो थर्ड ऑर्बिट कंटेंट थ्री वेव्स, फोर्थ ऑर्बिट कंटेंट फोर वेव, बना लीजिए ड्रॉइंग। कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम किसी के लिए भी बना सकते हैं, कोई भी आप आपकी मर्जी है, हीलियम प्लस मैंने बना लिया, फर्स्ट जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये है सेकंड ऑर्बिट है, ये है थर्ड ऑर्बिट है और ये है फोर्थ ऑर्बिट है। सो फोर्थ ऑर्बिट कंटेन फोर वेव, देखिए सिमेट्रिकली डॉट बनाइए, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ये एकदम सिमेट्रिकली इक्वल डिस्टेंस पे फोर डॉट बना लीजिए और फोर वेव, एक वेव ऐसे हो गया, दूसरा वेव ऐसा कर लीजिए, तीसरा वेव ऐसा कर लीजिए, चौथा वेव ऐसे कर लीजिए, कर लीजिए ड्राइंग और लिख दीजिए फोर्थ ऑर्बिट कंटेन फोर वेव है भी। सो फोर्थ ऑर्बिट कंटेन फोर वेव, हो गई। सो इस क्वेश्चन में यही था, ये फोर पार्ट हुआ और सारा पार्ट क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा है और मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ, कुछ आईटी क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, वो मैं ऐड करता हूँ। सो 19 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मैं ऐड करता हूँ स्कैन करके। सो मैंने क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था और ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो आईटी एडवांस का पुराना क्वेश्चन है आपका, तो सिंपल ही है आपका, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सो क्या लिखा हुआ, फोर इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लिथियम प्लस प्लस। सो आप एक लिथियम प्लस प्लस ले लेंगे और लिथियम प्लस प्लस के एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट हुआ, ये फर्स्ट एक्साइटेड हुआ, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है गिवन द एंगुलर मोमेंटम 3h/2π, एंगुलर मोमेंटम जो लिखा हुआ है वो है 3 और h/2π, और एंगुलर मोमेंटम साइंस में होता है एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई होता है, और यहाँ होता है 3
और एच बाई टू पाई। सो एंगुलर मोमेंटम जो हुआ वो एन एच बाई टू पाई होता है, जो आप जानते हैं बोस मॉडल में। इस तरह एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू तो पता चला कि थ्री है, ठीक है। तो ऑर्बिट तो थर्ड ऑर्बिट है, ये तो क्लियर हुआ कि एन इज इक्वल टू थ्री, ये थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट हुआ, ठीक है। लिथियम प्लस प्लस है, तो इसके लिए जेड जेड का वैल्यू भी थ्री हो गया, क्योंकि ये लिथियम प्लस प्लस है, ठीक है। एनोट इज अ बोस रेडियस, एनोट बोस रेडियस हुआ, और हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ, ओ बच जाएगा, रुकिए देखिए। तो सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है एच बाई और एम और वी, ठीक। मैं अपने मन से अगर मैं एच और इंटू आर यूज कर लूँ, और मैं एम और वी आर यूज करना चाह रहा था, अब ये आर जो होगा, ये जो रेडियस होगा, अगर मुझे आर निकालना होगा तो रुके ध्यान से देखिए, आर इज इक्वल टू जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम और एन स्क्वायर बाई जेड, एन का स्क्वायर 9 और बाई जेड 3 हुआ आर, और 0.53 एंगस्ट्रॉम ही ए नॉट होता है मल्टीप्लाई बाई 3, ये आर का वैल्यू मिल गया ऐसे, ठीक है। ये आर का वैल्यू हुआ क्योंकि क्वेश्चन में ए नॉट है, ए नॉट के टर्म में निकालना है। सो देखेंगे यहाँ पे देखिए एच लिख देंगे, और आर, आर का वैल्यू 3 ए नॉट, और एम वी आर थर्ड ऑर्बिट है ना, थर्ड ऑर्बिट, तो 3h/2π कर दो, बोस मॉडल एम वी आर, बोस मॉडल, तो बोस मॉडल हुआ 3h/2π। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये एच एच कट जाएगा, नाउ 3 कट गया, और ये आ गया 2πa0, ये 2πa0 हुआ। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो है पी पाई और ए नॉट, और राइट साइड देख रहे हैं तो राइट साइड है 2π और ए नॉट, नाउ पाई ए नॉट कैंसिल हो गया, पी का वैल्यू देखेंगे तो 2। तो ये था आईटी एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ये हो गया। सो बोस मॉडल अप्लाई करना है, बोस रेडियस होता है, बोस रेडियस इधर ए नॉट हम लोग पढ़े हुए हैं, बोस रेडियस इधर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। सो आप पढ़े हुए हैं रेडियस, रेडियस के लिए फॉर्मूला भूले तो नहीं हैं आप, रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये आप जानते हैं एन स्क्वायर बाई जेड, ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम ए नॉट हुआ और एन स्क्वायर और बाई जेड। तो ये फॉर्मूला आप रेडियस का इतना सारा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो उससे रिलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम से ऑर्बिट पहचानना है, उस ऑर्बिट में जाके इलेक्ट्रॉन का आप निकाल दीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैच कर लीजिए क्या है, पी एक नंबर था। ये आईटी एडवांस का है, ऐसा ही क्वेश्चन आईटी मेन में इस साल भी पूछा गया था, देखता हूँ क्वेश्चन क्या है, स्कैन करके मैं ऐड करता हूँ क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन आईटी मेन का 2019 का, अभी मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और लिखा हुआ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ने लिखा हुआ हाइड्रोजेनिक एटम मींस हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए ये पूछा गया है। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ है, ए नॉट इज द बोस रेडियस, एन बाई जेड चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ पे कोई भी एटम है प्लस जेड, ठीक है, हम लोग बात करें एनथ ऑर्बिट, ये है एनथ ऑर्बिट के लिए, एनथ ऑर्बिट के लिए अगर आप रेडियस पढ़ेंगे, सो रेडियस जो हुआ आप जानते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, आप इसके जगह पे ए नॉट यूज कर सकते हैं एन स्क्वायर बाय जेड, ये रेडियस जरूरत होगा तो मैं ये लिखूंगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, और स्पीड v है और मास m है nth ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ चाहिए, तो आप जानते हैं h बाई एम वी, ठीक है, अपने मन से r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं h इंटू आर, और यहाँ मैं एम वी आर इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है।
सो यहाँ पे h यूज करेंगे, r, r के जगह a नॉट, और यहाँ पे n स्क्वायर और बाय z, और ये है mvr आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई, सो n और h आर डिवाइड बाई टू पाई। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1.5 पाई ए नॉट, और राइट साइड जो हुआ एच कैंसिल हो गया, एक एन कैंसिल हो गया, सो यहां हो गया ऊपर चला गया टू पाई, यहां हुआ टू पाई चला गया ऊपर ए नॉट, ऊपर में एन और नीचे में जेट। देखेंगे यहां पे पाई ए नॉट कैंसिल, सो एन बाय जेट 0.75 आ गया। तो आई थिंक मेन इस साल का था, दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एकदम एक जैसा है। नेक्स्ट आईटी एडवांस का और एक क्वेश्चन है जो एकदम डिफरेंट है, तो ये है आईडी एडवांस का क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा मैथमेटिकल लुक है क्वेश्चन में, है इजी क्वेश्चन। सो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सिस्टम है, ये सिस्टम का टोटल एनर्जी है 2E0, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है। एक्स का रेंज है 0 to 1 के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी E0 है, और अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इस रेंज में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो चाहिए। है आसान बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे आप देखें, आप गिवन लिखें और एक फिगर जरूर बनाएं, एक अच्छा सा फिगर बनाएं, और अच्छा सा फिगर ऐसे कि ये मेरा है एक्स एक्सिस है, ये है रेंज है एक्स इक्वल टू 0 है, और ये रेंज हुआ एक्स इक्वल टू 1 हुआ। सो ये रेंज बना लेंगे कि यहाँ 0 टू एक्स और 1 के बीच में है, और यहाँ एक्स ग्रेटर देन 1, ये ऐसा आप रेंज बना लें। अब देखेंगे इस जोन में, इस जोन के अंदर, अब इस जोन में हम लोग बातें कर रहे हैं, और इस दो जोन ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ कि इस जोन में मान लीजिए ऐसे 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 मैं फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ हमें डिस्कस करना है वेवलेंथ, यहाँ पे है इस जोन में वेवलेंथ है लैम्डा 1 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और इस जोन में ये कोई भी वेव है, और ये वेवलेंथ है लैम्डा 2, ऐसे बनाना। बताइए इस जोन में जो टोटल एनर्जी है वो है 2E0 है, पोटेंशियल एनर्जी पेपर में लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इस जोन में 0 से 1 के बीच में E0 लिखा हुआ है सर। आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये है 2E0 रख देंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी E0 हो, इस तरह यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो है E0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे। इधर के जोन में आ जाएंगे, इस जोन में आप जानते हैं टोटल एनर्जी जो हुआ वो 2E0 है, पोटेंशियल एनर्जी इस जोन में है वो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये है 2E0 है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 करेंगे, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस जोन में हुआ 2E0 हुआ, ठीक है। आप जानते हैं जब एनर्जी के टर्म में रहेगा तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2 और के इंटू एम, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E0 यूज करना चाहिए यहाँ पे, और इस जोन में एनर्जी के टर्म में, क्योंकि आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एच बाई अंडर रूट 2 और के इंटू एम, ये क्योंकि काइनेटिक के एनर्जी के टर्म में हमें ये यूज करना है, और ये रिलेशन आप पढ़े हुए हैं बोस मॉडल में,
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके हेल्प से आपको यहाँ पे सेकेंड जोन में बनाना है एच बाई अंडर रूट टू एम और टू ई नॉट हो गया, डिवाइड कर लीजिए। अंडर रूट टू आ गया, ऑप्शन में रहेगा। सो डिफरेंट क्वेश्चन था आईडी एडवांस का, एकदम अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कि ये एक लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, और वो वेवलेंथ लिखा हुआ 1.54 एंगस्ट्रॉम। सो पोटेंशियल ऑफ बीम चाहिए, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग फॉर्मूला हम लोग ने डिस्कस किया था, और वो मैंने लास्ट क्लास प्रूव किया था 12.3 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई अंडर रूट वी नॉट, ऐसा। सो अंडर रूट वी नॉट इधर कर लेंगे तो ये है 12.3 और डिवाइड बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, स्क्वायर करेंगे तो पोटेंशियल जो हुआ वो 12.3 और 1.54 का स्क्वायर कर लीजिए। सो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये आ रहा है एकदम आपका 63। 12 डिवाइड बाय 1.5 करिए ना, 12 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे 8 के क्लोज आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 63.5 आर वोल्ट। ठीक है आंसर, तो एडवांस का था एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऐसे क्वेश्चन बोस मॉडल में भी पढ़े हुए हैं आप, कि ये है इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में है, ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, और एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं 1.5 टाइम ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ गया तो वो तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और फ्री होगा तो वो दौड़ेगा, और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो 1.5 आयोनाइजेशन एनर्जी आया था। आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी हेल्प ले सकते हैं, आप बोलेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग ने एनर्जी दिया है 1.5 टाइम द आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जो एनर्जी लगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है, और जब इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो गया तो बाहर चलेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सो 1.5 और यहाँ पे लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इसमें से घटा देंगे। सो 0.5 आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा हुआ है, 1.5 का मतलब 1/2, 0.5 1/2, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू इंटू द वी नॉट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होगा क्यू, क्यू की जगह ई कर लीजिएगा। सो ये सब पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी पढ़ चुके हैं ये, या आप बोस मॉडल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे सो 6.8 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चार्ज की जगह ई, और यहाँ हुआ वी नॉट, ई और ई कैंसिल हो गया, सो वी नॉट जो हुआ वो 6.8 वोल्ट हुआ, 6.8 वोल्ट, ये है वी नॉट होगा 6.8 वोल्ट। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जानते हैं 12.3 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट 6.8। सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल मिल गया, अगर हमें पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पोटेंशियल, वो सारा टॉपिक है इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू इंटू वी नॉट,
चार्ज जो है वो ई है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, पोटेंशियल मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग डेराइव कर चुके थे, 12.3 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाय अंडर रूट वी नॉट पोटेंशियल के फॉर्म में। तो इससे कई क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। सो सॉल्व कर लेंगे, 12.3 और डिवाइड बाय अंडर रूट 6.8, सो 2.6, 12.3 डिवाइड बाय 2.6 डिवाइड बाय 2.6, 4.73 एंगस्ट्रॉम, सो 4.73 ये है आंसर हम लोग। हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है और आईटी मेन का है, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, हर पेपर में रहता ही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻³ टाइम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो इधर लिखा हुआ है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और 10⁻³ टाइम ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। सो ये हुआ एच बाई एम और वी हुआ, और ये है 10⁻³। फोटोन पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप पढ़ चुके हैं, और फोटोन का वेवलेंथ एच बाई पी, और एच बाई पी वहाँ बहुत सारे टर्म आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन एच सी बाई ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई ई, या एच सी बाई ई इज की जगह एच म्यू यूज कर सकते हैं, सी बाई म्यू यूज कर लीजिए, क्योंकि जो दिया हुआ उसके टर्म में बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो यहाँ पे सी बाई म्यू कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट, अब तो सारा टर्म मिल गया, क्रॉस कर लीजिए वी, सो एच कर लेंगे, म्यू कर लेंगे और एम कर लेंगे, सी कर लेंगे, यहाँ पे है वी करेंगे 10⁻³ और 10⁻³। चलिए सॉल्व करते हैं, थर्टी फोर, फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁴, 10³, 9.1 10⁻³, सी 3 × 10⁸। ये है सारे यूनिट, ऐसा यूनिट है, सॉल्व करते हैं, 3 × 2, सो यहां पे हुआ 13.2, 9.1। और ऊपर पावर सॉल्व करेंगे, ये है 10⁻³, 10⁻³, और ये 8, 9, 10 और 6 और 10³, 9, चेक करेंगे एक बार। सो 8 है और यहाँ पे हुआ आपका 6 हुआ, कट करेंगे 10⁻⁶ और 3 और 10⁻⁹ हो गया। सो स्पीड 13.2, 9.1, 10⁻⁴, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हुआ 40 और 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 13.2 और 9.1, 10⁻⁶ सब में है, सो सॉल्व करिए 1.45, हाफ के क्लोज आ रहा है, तो 1.45 हो गया ये आंसर। ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स,
क्वेश्चन है, आईडी मेन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल, पूछा गया कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज डबल देन, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ, चेंजेस बाय अ फैक्टर, बाय अ फैक्टर। आईटी मेन क्वेश्चन है, सिंपल सा छोटा सा था इसलिए मैं स्कैन करके लास्ट में ऐड कर दूंगा, 1/2 वन सेकेंड क्वेश्चन, वन सेकेंड आंसर डी। आंसर है डी, तो आप जानते हैं आपके लिए कोई नया नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाय अंडर रूट 2 और के और एम आप जानते हैं। सो जैसे काइनेटिक एनर्जी डबल करेंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी डबल कर दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल। सो अगर जैसे काइनेटिक एनर्जी डबल करेंगे लैम्डा डैश एच 2 के एम करेंगे, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय रूट टू, ये है आंसर डी। 26 और करते हैं क्वेश्चन। सो छोटा सा क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज बाय 16 टाइम देन परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो फॉर्मूला आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर 2 के एम, ये लैम्डा 1 में कर दे रहा हूँ, और काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम बढ़ाएंगे सो लैम्डा 2 एच अंडर 2 16 के इंटू एम ऐसे। सो 16 रूट लेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा, सो 1/4 एच बाय अंडर 2 के एम, तो इस तरह लेमडा 2 लेमडा 1 आर डिवाइड बाय 4 आर। ठीक है, नेक्स्ट ये परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो परसेंटेज चेंज सो लैम्डा 2 या जो भी आप परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, फाइनल लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 करके 100 कर लीजिएगा। सो यहां लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू 100 कर लेंगे, सो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 और बाय लैम्डा 1 करेंगे तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 1/4 माइनस 1 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो यहां हुआ -300 -75%। सो आपका आंसर होगा डिक्रीजेज बाय, ये आप 75% करेंगे और डिक्रीजेज बाय, चेंज का मतलब होता है डिक्रीज, यहां पे डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव का मतलब डिक्रीजेज बाय 75%। डिक्रीज तो होगा ही, अगर आप बढ़ा रहे हैं
काइनेटिक एनर्जी तो वेव लेंथ तो घटेगा ही। सर से कर लीजिएगा डी, फाइनल हो गया। अच्छा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन का प्लान है कि 50 मैं कर दूंगा, 50 आप कर देंगे, एक भी डाउट आपसे नहीं होगा। अगर मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ और सारे क्वेश्चन आप बना लेते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा, सब बन जाएगा आपसे। सो नेक्स्ट क्लास 23 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास मैं फिजिक्स अप्लाई करूँगा, फिजिक्स का एप्लीकेशन सीखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास के लिए।